Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. के मोटिवेशनल कोट की बात करते हैं, स्मॉल स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शंस आर बेटर देन द बिग स्टेप्स इन द रॉन्ग डायरेक्शन। ये पॉइंट याद रखिएगा, हमेशा याद रखिए। ओके, धीरे धीरे चीजें होती है कि स्पेशली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात की जाएगी तो आपको सडनली एक दिन में सक्सेस या एक रात में सक्सेस नहीं मिल सकता। इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस। इट्स नॉट लाइक अवर स्कूल और द कॉलेज एग्जाम कि एक रात में पढ़ाई कर ली और जाके एग्जाम दे के आ गए। यहाँ पे काफी धीरे धीरे आपको प्रोग्रेस मिलेगा, तो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेनी पड़ती है। वन स्टेप एट अ टाइम लीजिए, पर अच्छे से लीजिए, कॉन्सेंट्रेशन से उसकी तरफ ध्यान दीजिए कि हम कहां गलत है कहां सही है। कि अगर आपको कोई बार बार टोकता है, बार बार अगर आपको आपको कोई गलत डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है, कोई अगर बार बार आपको कहता है कि नहीं आपको जल्दी सक्सेस लेना है, तो इस तरीके से नहीं होगा। आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा, आपके पॉजिटिव क्या है, आपके निगेटिव क्या है। इफ यू नो यूर सेल्फ वेरी वेल, If you are honest with yourself very well, then automatically success आपके हाथ में रहेगा। ये point याद रखेगा। अभी RBI grade B के mains के result आए कल के। काफी students है हमारे जिनका success हुआ, कुछ ऐसे भी है जो शायद कुछ marks से रह गए होंगे। तो तीन मेरे students ऐसे, एक है जो एज बार होने वाले थे के, and he was giving the RBI exam for the first time। एक student है जो बस कॉलेज से बाहर निकले और he was also giving the exam for the first time। और एक लेडी है के उन्होंने शादी के बाद अपनी पढ़ाई शुरू की और वो भी पहली बार एग्जाम दे रही थी। तीनों का सिनारियो अलग था, एक पहली बार कॉलेज से निकले, एक एज बार होने वाले और एक शादी के बाद एक फैमिली के अंदर एग्जाम दे रहे। और तीनों ने एग्जाम क्लियर किए पहले अटेम्प्ट में। पर उनकी खासियत है कि उनकी खासियत ये थी कि एक एक चीज धीरे धीरे की है, जितनी पढ़ाई की है, कम पढ़ाई की होगी पर जितनी पढ़ाई की है बहुत फोकस तरीके से की है। नाउ यू कैन सी अभी वो RBI ग्रेड बी के इंटरव्यूज के लिए जाएंगे। तो ये पॉइंट याद रखेगा दोस्तों, ये जो फोकस है याद रखेगा। सक्सेस हर किसी को मिलता है कि कभी लेट मिलेगा कभी जल्दी मिलेगा, पर उसके लिए आपको थोड़े पेशेंस और थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।